दिवाली की शॉपिंग करने, और साथ में मेरी फ्रेंड है, आपने इसको देखा होगा ब्लॉग, मेरे ये हॉस्टल में मेरे साथ वर्किंग है, तो हम जा रहे हैं सदर। देखो कब तक पहुँचते हैं, कि जाम भी बहुत मिलेगा हमें, और अभी नाइट ड्यूटी करके हम दोनों आए हैं देखो साथ में। तो गाइस हम इंडिया गेट तक पहुँच गए हैं, बस अभी दूर नहीं है ज़्यादा, सदर पहुँचने ही वाले होंगे, और जाम तो इतना है क्योंकि आपको भी पता है फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से बहुत जाम लगा है, तो हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक है। अभी आगे तो और भी ज़्यादा मिलेगा, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। गाइस आप देख रहे हो रश इतना ज़्यादा है ना, कि हम ना पैर भी रख पा रहे हैं, और देखो आपको इयरिंग्स दिखाते हैं, और बहुत सही प्राइस में इयरिंग्स दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे इयरिंग्स हैं यहाँ पर। ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे इयरिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे प्यारे, तो मैंने तो दो जोड़ी ले ली है, ये देखिए। ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे हैं, ये देखो कितने प्यारे प्यारे रिंग्स हैं। तो देखिए मैं दिवाली के लिए लाइट भी ले रही हूँ, कितनी प्यारी प्यारी लाइट है यहाँ पे, तो मैंने ना ये मल्टी कलर में लिया है, और बहुत एक्सपेंसिव अच्छी लग रही है ना, इतना प्यारा लग रहा है, तो मैंने ये लिया, एक वाइट में लिया, एक मल्टी कलर फ्लावर लिया है, और कौन सा लिया है, गोल्डन मजेंटा, ये सब लिया, हाँ एक ये कलर लिया मैंने, जो मेरे घर को अच्छा लुक देगा। तो गाइस मैंने ये एक भगवान जी के लिए माला भी ले ली है, और मैंने डिजाइन लिया है ये वाला, अपने घर के लिए जो चूज़ किया मैंने ये वाला किया है, और बहुत प्यारा, मतलब मुझे अच्छा लगा डिज़ाइन, ये भी अच्छा है, लेकिन ये ना बड़ी माला होगी, तो ये मेरे मंदिर में ना बड़ी हो जाएंगी, तो मेरे हिसाब से मुझे यही सही लगे के लिए। और कितनी प्यारी प्यारी लाइटें वाली, नहीं डिज़ाइन है इसमें, तो मैंने तो अपने फ्लावर मैंने बताया था जिस तरह से बोली है, और शुभ दीपावली ले लिया ये, मैंने अपने लिए ये लिया है, मुझे बहुत पसंद है, इसमें मैं कैंडल फ्लावर ये सब लगा सकती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ कनॉट प्लेस सिटी, यानी कि सिटी, और अभी है यहाँ पर ट्रैफिक है, अब निकले हम मार्केट से, देखो कितना टाइम लग गया, हम चले थे 2 बजे घर से, और तो टाइम लग गया देखो, चलो जा रहे हैं घर पहुंच के, मुझे भूख भी बहुत लगी है, तो कुछ खाना वाना बाहर से ले लूँगी, और खाना बाहर से ही लेके पैक करा के कुछ खा लेंगे, इतना मतलब पर मज़ा आ गया यार मार्केट करके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल गया यहाँ पर, कमो कितना मुश्किल है ना, मतलब कितना एक्साइटेड है ना, मार्केट गए और नाइट करके हम सोए भी नहीं, और मार्केट चले गए कितनी जल्दी, और ना खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, तो गाइस और हम ना चलते हैं मार्केट, क्योंकि हमें ना क्रेज था कि चलो मार्केट जाना है, दिवाली की शॉपिंग करना है, तैयारी करना है, और बहुत अच्छा लगा है, बहुत है ना, बहुत अच्छा है ना, वाओ मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर साथ जाके तो और भी अच्छा लगा, और हाँ अनामिका भी होती ना तो अच्छा लगता, अनामिका तो धोखा देती थी बीच में, प्लीज गाइस प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस अभी मैं आश्रम पहुंच गई, और आश्रम पहुंच के अभी मेरा हॉस्पिटल आएगा, वहीं से मैं घर जाऊँगी, और खाना वही मैंने आपको बताया था, MT4 बहुत फेमस है, हम वहीं से ज़्यादातर खाना लेते हैं, तो वहीं से मैं खाना पैक करवाऊँगी। तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, सुबह से हम ऐसे ही ड्यूटी करके फिर बाहर निकले गए, तो बर्गर बनाए यहाँ के, बर्गर भी अच्छे हैं, तो कैसे लगी कम्मा बर्गर है, तो हमने बर्गर खा रहा था, इतनी भूख लग रही थी, थोड़ा भूख कम हो जाएगी हमारी, तो अभी घर भी जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर जगह 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 ट्रैफिक है, तो तब तक बर्गर का स्वाद लेते हैं। गाइस मैं आ रही हूँ अब MT4 कॉर्नर, इसका नाम है, तो यहाँ से ही मैं अपना खाना पैक करवा रही हूँ, काफ़ी थक चुकी हूँ सुबह के, हम निकले हुए ड्यूटी करके, फिर घर गई, घर भी तो नहीं गई, ऐसे ही गए और निकल गए जल्दी से बस, तो खाना भी नहीं खाया, कि हमने बस बर्गर खाया मैंने कमो ने, तो कमो अपने घर चली गई है, मैं यहाँ पर आ रही हूँ MT4 कॉर्नर, तो यहाँ से मैं अपना खाना पैक करवा लूँ,
तीखा में मैंने कढ़ाई पनीर और बटर पनीर बटर मसाला और क्या कहते हैं बटर नान ये पैक करवाया है। और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। तो कितना टाइम लगेगा भैया, टाइम बताओ। पनीर बटर मसाला है, कढ़ाई पनीर है, नहीं सॉरी सॉरी पनीर बटर मसाला है और दाल मखनी और 5 बटर नान। ठीक है ठीक है, कर दो जल्दी। और मैं वेट कर रही हूँ आकाश का, और आकाश को आप जानते होंगे वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो वो मुझे लेने आ रहा है। तो चलिए वेट कर रही हूँ, तो क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, मैं तो कैसे जाऊँगी अकेले इतना सामान लेकर, तो मैंने उसी को फोन से बुला लिया है, वो आ रहा है। तो गाइस पहले लाइटिंग का काम करना है, लाइटिंग वगैरह जो है तो देखना कहाँ कहाँ लगाना बोल पाऊँगी। तो गाइस मैंने ले ली लिफ्ट और पहुँच अपने फ्लोर पे। मुझे ना अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, सबके घर सज गए हैं, मुझे भी अपना घर सजाना है, तो बस मैं अपना घर सजाऊंगी। तो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, मार्केट से आ गई हूँ, खाना भी मैं लेकर आ गई हूँ, और मैं अपना ब्लॉग ये बंद करती हूँ। और मैंने जो आपके जो मैं मार्केट से सामान लेकर आई हूँ उसमें मैं अगले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।